आइए आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन नाम के चैप्टर का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग दर्पण के विषय में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराता है तो पुनः जो है वह अपने मार्ग में वापस लौट जाता है। इसी को दोस्तों हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है, चिकनी और चमकीली चमकीली सतह से टकराती हैं, तो पुनः अपने रास्ते में वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इस चिकनी सतह हो गई, इसका हम एक भाग जो है सिल्वराइड कर देते हैं, रंजित कर देते हैं। इसका जो है ये आपका परावर्तक सतह हो गया। इस परावर्तक सतह पे अगर प्रकाश आ रही है और इसके टकरा करके पुनः वापस लौट जा रही है, तो जो प्रकाश इस पे दोस्तों आ रही है, इसको हम ये जो सतह दोस्तों है इसको हम पहले परावर्तक सतह कहेंगे, परावर्तक सतह, या आपका सिल्वर्ट किया गया यानी कि रज्जित किया हो सकता है, रज्जित किया हुआ सतह है। प्रकाश इस पे आ रहा है, आने के बाद जो प्रकाश दोस्तों आता है उसे आपतित प्रकाश कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, उसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश टकरा जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, टकरा करके वापस लौटता है, परावर्तित किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने और चमकीली सतह से टकराती हैं तो पुनः अपने रास्ते में वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें हम लोग एक लंब डाल दिया जाता है तो इसमें तीन चीजें प्राप्त होती हैं, इसे हम लंब या अभिलंब कहते हैं। तो दोस्तों इसमें से आपतित किरण, परावर्तित किरण, लंब, तीन बातें निकल के आ गई। उसके बाद इसके बीच जो दोस्तों कोण बनता है, इसके बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग आपतन, इसको परावर्तन यानी इसको आयस्वित करते हैं, इसको आयस्वित करते हैं। इसमें पहली बात दोस्तों आ गई आपतित किरण, वह किरण, इसको हम लोग परिभाषित करेंगे, वह किरण जो दर्पण पर टकराती हैं उसे आपतित किरणें कहते हैं। इसे आपतित किरण यानी कि इंसिडेंस
दोस्तों ये आपका प्रकाश इस परावर्तक सतह से टकरा रही है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, आपतित किरणें कहेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जो किरण दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण दोस्तों जो किरण दर्पण से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे टकरा करके वापस दोस्तों लौट रहे तो याद क्या होगा, परावर्तित किरण। इसे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। दोस्तों आशा है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम बता दे रहे आपको प्रकाश का प्रवर्तन, हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन हम चैप्टर को आगे बढ़ रहे हैं। इसका भाग दो है प्रकाश का प्रवर्तन। निकर्षण राइट क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने और चक्रीय सतह पर टकराती है तो पुनः अपने रास्ते में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश यहाँ जो है प्रवर्तक सतह पर दोस्तों आ रहा है, इस टकरा कर वापस लौटता है। हमने एक लंब दिया है, इसके बीच जो कोण बन रहा है आपतन कोण, इसके बीच जो कोण बन रहा है प्रवर्तन कोण, हम लोग डिफाइन करेंगे। आपतित किरण वह किरण जो दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंस रे। परावर्तित किरण इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जो किरण दर्पण से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। हम लोग इसे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एक होता है आपका बीच में जो नंबर आ गया सी नंबर, यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस दोस्तों देखिएगा, लंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लंब तथा आपतित किरण के बीच, लंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, इसे दोस्तों आयश्रित कहते हैं। इसे आय से सूचित कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपका हो गया लंब या आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे ही आपतन कोण कहता है, इसे आयश्रित कहता है। इसके बाद हम लोग इस कोण की बात करेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड परावर्तन कोण। उसी प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे लंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
परावर्तन कौन कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। आर से सूचित करते हैं लंब तथा परावर्तित कण के बीच बने कौन कौन परावर्तन को कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं।